NIOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है इन दो पेज के नोटिफिकेशन में, जो आपके थ्योरी प्रैक्टिकल एंड TMA में चेंजेस किए गए हैं उनके रिगार्डिंग है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता चला तो आप अपने एग्जाम्स में फेल हो सकते हो, इसलिए एग्जाम्स में पास होने के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए आपको ये पता होना चाहिए। इस वीडियो को प्लीज कहीं भी स्किप मत करना, आपके बहुत काम की है। इस वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आपको NIOS बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट तभी मिलती है जब आप अपना थ्योरी का एग्जामिनेशन दे देते हो, और थ्योरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको न्यूज आर्टिकल्स भी दिख जाएगा। NIOS बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन देकर भी ये बता दिया गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले, और थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ना होगा तभी तो आप एग्जाम्स में लिख पाओगे। इसके लिए आपके पास NIOS बोर्ड की बुक्स भी होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसको बुक्स नहीं मिली है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर NIOS बोर्ड के ऑफिसर्स को भेज पाऊं। और आप सभी ने भर भर के कमेंट्स किए, और फाइनली मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया और NIOS बोर्ड के जो ऑफिसर है इनको सेंड भी किया मैंने। आप इनको देख सकते हो, ये इनका चैट है यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा कि जो बुक्स डिपार्टमेंट है इनके द्वारा बुक्स सेंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है, तो फाइनली आपको नेक्स्ट वीक या 10 दिनों में आपके घर तक बुक्स पहुंचा दी जाएगी, या आप अपने स्टडी सेंटर पर भी जाकर बुक्स ले सकते हो। ये नवीन सर ने कंफर्म कर दिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर नवीन सर के लिए एक लाइन जरूर लिखना, क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती है नवीन सर उनको टाइम पे सॉल्व कर देते हैं, इसके लिए नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थ्योरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग NIOS बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी गई है इसमें यह बताया गया कि एग्जाम्स के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर पर काफी टीचर्स के द्वारा सेंटर पर चेटिंग करवाई जाती थी। इसके लिए NIOS बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि एग्जामिनेशन सेंटर बनने का जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो NIOS बोर्ड का एग्जामिनेशन सेंटर है ये KV स्कूल्स होंगे, नवोदय स्कूल्स होंगे, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे, CBSE और SSC बोर्ड के स्कूल्स होंगे। यानी कई ऐसे स्कूल्स है जिनको अब NIOS बोर्ड अपने एग्जामिनेशन सेंटर नहीं देगा, वहां पे चेटिंग जैसी एक्टिविटीज हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्कूल पाया जाता है चेटिंग करवाते हुए या कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज करवाते हुए तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और यह क्राइटेरिया पहले 3 इयर्स का था अब इसको परमानेंट कर दिया गया, यानी कि उसका एग्जामिनेशन सेंटर खत्म कर दिया जाएगा। अब NIOS बोर्ड काफी स्ट्रिक्ट हो रहा है अपने एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से करवाने के लिए। NIOS बोर्ड के द्वारा जो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए चेंजेस किए गए अब वो चेंजेस कौन कौन से आपको मैं इसके बारे में बताऊं, ये बहुत जरूरी है सही से समझना। आपको सबसे पहले NIOS बोर्ड की वेबसाइट पे आना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके कोर्स मटेरियल के सेक्शन पे क्लिक करना है, क्लास 10th या 12th में जिसमें भी हो आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सैंपल पेपर्स वेरिफिकेशन वाली PDF वाला लिंक, आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टोटल 3 कॉलम दिखेंगे। इसमें जो सबसे पहला कॉलम है वेरिफिकेशन ऑफ सिलेबस, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो TMA के चैप्टर्स है ये एग्जाम में नहीं आएंगे, और जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले कॉलम में चैप्टर्स है वही एग्जाम्स में आएंगे, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। लेकिन इसके बाद आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है, MCQ कितने आएंगे, फिल द ब्लैंक्स कितने आएंगे, मैच द फ्लोइंग कितने आएंगे, पैराग्राफ पैसेज वन वर्ड्स आंसर वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ये कितने आएंगे, इनकी क्वांटिटीज क्या होगी, इन सबको समझने के लिए NIOS बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर्स दे दिए गए। आप सैंपल पेपर को डाउनलोड कर आप ये समझ सकते हो। लेकिन इसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर NIOS बोर्ड ने ये जस्ट कल अपडेट किया, ये पहले नहीं था। इसमें NIOS बोर्ड ने ये बताया कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर डिजाइन का मतलब है ब्लूप्रिंट या मार्किंग स्कीम। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स की PDF को आप डाउनलोड कीजिए, आपको इसमें दिख जाएगा मार्किंग स्कीम, यानी कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आने वाला है। आपको इससे यह हेल्प मिलेगी कि जो मॉड्यूल सबसे ज्यादा मार्क्स में आने वाला है, जिसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, आप सबसे पहले उनको पढ़िए, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उन मॉड्यूल से एग्जाम्स के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले और ज्यादा मार्क्स में, तो क्यों ना पहले आप इन पे फोकस करो ताकि एग्जाम्स में आप आसानी से पास हो जाओ। इसलिए आप पहले मार्किंग स्कीम को देख लीजिए, कौन से मॉड्यूल या चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे आपको पास होने में आसानी होगी। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया इसको सही से समझना। सबसे पहले NIOS बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि NIOS बोर्ड ने अपने एग्जाम्स पैटर्न में चेंज कर दिया, TMA वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे, पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में जो चैप्टर है वही एग्जाम में आएंगे। तो इसका मतलब हुआ बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, पहला चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज NIOS बोर्ड ने ये कहा कि NIOS बोर्ड के द्वारा जो क्लास 12th के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, हिंदी, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग, इन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस चेंज नहीं किए गए, उनको बाइफरकेट किया गया ताकि आपका वर्डन कम हो, उनको TMA में डाल दिया गया ताकि एग्जाम में वो ना आए और पब्लिक एग्जाम्स वाले चैप्टर एग्जाम के अंदर आए। इसके बाद NIOS बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में नीचे ये कहा गया कि जिनके पास भी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है इन 5ों में से, उनका 2 क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, एक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए NIOS बोर्ड के द्वारा कहा गया कि जो अप्रैल 2024 में या अक्टूबर 2024 में अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने पहले कभी भी NIOS बोर्ड में एग्जाम नहीं दिया है, तो उनको इन सब्जेक्ट्स का नया सिलेबस पढ़ना है।
एंड दूसरा क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनकर आएगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एनएस बोर्ड के अंदर पहले कभी एग्जाम दे चुके हैं, या अक्टूबर 2023 में, या उससे पहले अप्रैल 2023 में, या इससे पहले कभी भी आप एक या दो बार आप अपना एग्जाम एनएस बोर्ड में पहले ही दे चुके हो और फिर आप अप्रैल 2024 में जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके आप अपना एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इन सब्जेक्ट्स का जो ओल्ड बुक दिख रही है आपको वही पढ़ना है। ओल्ड बुक से ही आपको क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा सिर्फ इन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इनका सिलेबस चेंज हुआ है। चाहे आपने हाफ सब्जेक्ट पहले दिया हो और हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम आपका रह रहा हो अप्रैल और अक्टूबर 2024 में देने का, ये बहुत बड़ा चेंज है जो आपका पता होना चाहिए। कहीं आप गलत बुक पढ़कर चले जाओ और एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखो, अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन पेपर, ये तो पढ़कर ही नहीं आऊं, आपको सबको सिलेबस से बाहर लगेगा फिर, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अप्रैल और अक्टूबर 2024 में दो क्वेश्चन पेपर बनेंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ, बाकी अप्रैल 2025 से एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, नया और पुराना जो क्वेश्चन पेपर ये खत्म हो जाएगा, तब जाके सभी स्टूडेंट्स एक जैसे बन जाएंगे। ये इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आप नीचे वाली लाइन में देख सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि एनएच बोर्ड के द्वारा क्लास 10th या 12th के कुछ सब्जेक्ट्स के टीएमए चेंज कर दिए गए, यानी क्लास 12th के जिनके पास भी इनमें से कोई सा सब्जेक्ट होगा तो उनके टीएमए के क्वेश्चन पेपर को चेंज कर दिया गया है, और क्लास 10th के इस सब्जेक्ट का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में कि हमने पुराने वाले टीएमए क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर दिया है, सबमिट करवा दिया है, तो क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेगा? देखो, इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं, पहले जो टीएमए क्वेश्चन पेपर दिए गए थे आपने उसके अकॉर्डिंग बनाकर सबमिट कर दिया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो बनाएंगे उनको इनके नए जो टीएमए क्वेश्चन पेपर दिए गए उनके अकॉर्डिंग ही बनाकर सबमिट करना है, बाकी जिन्होंने सबमिट करवा दिया है उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज किए गए इसलिए इनके टीएमए क्वेश्चन पेपर भी चेंज कर दिए गए। बाकी इस नोटिफिकेशन में यही बता दिया गया है जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में, उनकी लास्ट डेट 31 जनवरी टीएमए अपलोड करने की, टाइम से पहले प्लीज अपलोड कर दीजिए। मैंने आपको लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टीएमए सबमिट करवाने का। बाकी इस नोटिफिकेशन में यही बता दिया गया है कि टीएमए ओनली ऑनलाइन सबमिट होता है 100%, आपको किसी स्टडी सेंटर या कहीं और जाकर सबमिट नहीं करवाना होता। कोई सेंटर वाला ऐसा कहता भी है तो आप उनको मना कर दीजिए, आपको ओनली अपने डैशबोर्ड पे ही सबमिट करना है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर काफी टेंशन में है कि उनको अभी तक टीएमए का मार्क्स नहीं मिला। देखिए, जब आप अपने स्टूडेंट लॉगिन ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाता है टीएमए स्टेटस। जैसे आप अपने टीएमए स्टेटस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मार्क्स शो हो जाएगा, ये देखिए हमारे एक स्टूडेंट है इसको मार्क्स मिल गया है। जनरली आपको 1 मंथ के अंदर मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आपको अभी तक मार्क्स नहीं मिला तो मार्क्स वाले कॉलम में ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो एक बार नीचे मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको टीएमए का मार्क्स मिला या नहीं मिला अभी तक, ताकि मैं आगे बोलकर आपको जल्द से जल्द टीएमए का मार्क्स दिलवाऊं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और टीएमए के मार्क्स भी आपको अच्छे मिलने चाहिए, गुड वेरी गुड में आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ताकि थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर आप आसानी से पास हो जाओ। इसके लिए मैंने आपको टीएमए का सोल पीडीएफ दी है जिसमें से आप देख कर लिख सकते हो, हैंड रिटन पीडीएफ दिया है जिसको आप डाउनलोड करके सीधे अपलोड कर सकते हो और आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे और ऐसे फीडबैक भी यहाँ पे दिया जाएगा एनएस के टीचर्स के द्वारा। और आपको टीएमए सर्विस का लिंक दिया गया जिसमें हम खुद बनाकर आपका टीएमए अपलोड करते हैं। तो तीनों चीज आपको दे दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो जितनी जल्दी सबमिट करवाएगा उसको उतनी जल्दी मार्क्स मिलते हैं। एंड इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है इस तरीके से, जो कि एनएस बोर्ड के द्वारा लैब मैनुअल दिया जाता है उसमें से देखकर बनाना होता है। कोई भी 10 एक्सपेरिमेंट या 10 प्रैक्टिकल्स आपको लिखना होता है। मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस वाले वीडियो में दे दी है, नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी प्रैक्टिकल के सोल पीडीएफ के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से आपको देखकर सिंपल उतार देना है। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपका प्रैक्टिकल लिखकर आपके घर तक पहुंचा दे तो आप हैंड रिटन टीएमए ऑर्डर कर सकते हो, लिखा लिखाया प्रैक्टिकल फाइल आपके घर तक पहुंच जाएगा और आप फाइनली उसको सबमिट करवा दो। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल का जो फॉर्मेट होता है इसमें आपको एम, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड, एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक फाइल बनाना होता है। इसमें पिक्चर वगैरह ड्रॉ करना होता है, तब जाके आपको प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। तो प्रैक्टिकल के जो सोल पीडीएफ है इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए मैं खुद स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, चाहे भारत में आप किसी कोने पर रहते हो, बूस्टर क्लास और प्रीमियम क्लास, बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस आपको मिलती है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ऑनलाइन क्लासेस में प्लीज ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको आपके एग्जाम्स के अंदर ग्रेंटेड पास करवाऊँ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जाने से पहले आप सबको बता दूं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे कई लोग आते हैं वो वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप तक पहुंचाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। एग्जाम्स के अंदर पास होने के लिए मैं प्रभु से आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान ऐसे ही बने रहे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार और मोहब्बत बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।